साइंटिफिक बेस होम्योपैथी चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर मनदीप दहिया। आज हम बात करेंगे कि नेचुरल पेन किलर के बारे में, कि आपकी बॉडी में दर्द है, दर्द के बारे में। काफ़ी तरह के दर्द आपको चल रहे हैं, तो उनका नेचुरल घरेलू ऐसी एक दवा है जो एक दवा ही सभी तरह के दर्द को ख़त्म कर सकती है और कोई साइड इफ़ेक्ट इसका आपको नहीं मिलेगा। जैसे कि दर्द की बात करें, काफ़ी तरह के दर्द के लिए अलग अलग टेस्ट होते हैं। पहले तो अपना परमानेंट इलाज के लिए उनको टेस्ट कराकर पता भी कर लें। जैसे आपका ESR बढ़ जाए तब भी दर्द होता है, CRP बढ़ जाए तो इसकी जो हाथों की छोटी उंगलियां हैं और घुटने हैं ये खराब होना शुरू हो सकते हैं, और इसके बाद RA पॉजिटिव भी आपको आ सकता है, गठिया वा का दर्द हो गया है। ASO ये भी एक तरह का जीवाणु होता है, अगर शरीर में चला जाए तो इसके बाद गठिया वाए डेवलप होकर सारे शरीर में आपके किसी भी जोड़ पर, खास करके हाथों की उंगलियों पर सूजन आना, लालीपन आना शुरू हो सकता है, दर्द शुरू हो सकता है। यूरिक एसिड की वजह से काफ़ी लोगों को दर्द होता है। आर्थराइट्स है, रूमेटॉइड आर्थराइट्स की बात करें, गठिया वाह की वजह से दर्द हो सकता है आपके घुटने में। AD की जो आपकी हड्डी है, डॉक्टर ने आपको बोला होगा बढ़ गई है, जो आपका घुटना है उसके अंदर जॉइंट स्पेस कम हो गई है, ग्रीस खत्म हो गई है जोड़ों के अंदर, तो इन सभी कारणों से दर्द आपको हो सकता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस है, घुटने बहुत ज़्यादा सूज गए हैं, अब सुबह उठते ही दर्द होना शुरू हो गया है उसकी वजह से। मस्कुलर पेन हो सकता है, मांसपेशियों में दर्द हो सकता है, जैसे आप कहीं पे गिर गए थे, चोट लग गई है आपको, तो उस दर्द को भी ये दवा काम करेगी। जहाँ किसी तरह का आप जिम जाते हैं, ज़्यादा आपने जोर लगा लिया तब आपको दर्द शुरू हो गया, तो उसमें भी कारगर है। लो बैक है, क्या कमर के दर्द से परेशान है जो लोग, सर्वाइकल है, आपको चक्कर आ रहे हैं, BP कम लो हो रहा है सर्वाइकल की वजह से, तो सारी गर्दन में अकड़न जकड़न रहती है। शैटिका का दर्द होता है, शैटिका का दर्द क्या होता है कि कई लोगों के कमर की जो हड्डियां हैं वहां से नस दब जाती है, उस दबी हुई नस की वजह से पूरी टांगों में दर्द जाता है, सुन्ना पाने आने लग जाता है, तो उस दर्द में भी ये कारगर है। पेट दर्द है, देखा गया बच्चों के पेट के अंदर कीड़े हो गए हैं, उससे पेट दर्द होने लग जाता है, गैस एसिडिटी ज़्यादा बन गई तब भी पेट दर्द होने लग जाता है, तो इन सभी दर्द की एक ही नेचुरल पेन किलर मेडिसिन है जो सबसे बढ़िया है, वो है अजवाइन। अजवाइन के अंदर ऐसे गुण पाए गए हैं कि ये एंटी स्पास्मोडिक है, किसी भी तरह का दर्द मांसपेशियों में, हड्डियों में, शरीर में दर्द होता है तो उसको ये मारने का काम करती है, सारे मसल को रिलैक्स कर देती है, आपके घुटने, आपके जोड़ों, आपकी गर्दन, आपकी कमर है, इन सभी दर्द को ये ख़त्म कर सकती है। तो इसको लेना कैसे है, ये नेचुरल पेन किलर को, इसको आपने चाय की तरह इस्तेमाल करना है, अजवाइन को। अजवाइन का एक चम्मच ले लें, इसको थोड़ा सा मोटा पीस लें, चाहे आप किसी बर्तन में रख के इसको पीस लें, इसको बाद पीस कर इसकी चाय की तरह, आप जैसे चाय बनाते हैं, 1.5 कप पानी के अंदर इसको उबालना शुरू कर दें, और उसके बाद जब 1 कप रह जाए तो इसको जब भी दर्द होता है तो पी लें, 5-10 मिनट के अंदर इसका असर शुरू हो जाएगा और आपको दर्द से मुक्ति मिलने लग जाएगी। तो इसको दिन में 2 से 3 बार भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरह। जहाँ आप चाय बनाते हैं तो उसके अंदर भी ऐड कर दे, चाय पत्ती तो डाली हुई है, कोई इशू नहीं है उसके साथ, इसका कोई रिएक्शन नहीं है, उसके साथ भी 1 चम्मच इसको पीस कर, ताज़ा पीस कर, ना कि पुरानी पीसी हुई, उसके अंदर डाल दें, आपको सभी तरह के दर्द में आराम मिलना शुरू हो जाएगा। कुछ महिलाओं को, अगर वो प्रेग्नेंट हैं, प्रेगनेंसी में हैं, तो वो इसको ना लें, या जिनको बार बार अबॉर्शन होने की समस्या है वो इसको ना लें, क्योंकि इससे खून का स्त्राव है महावारी की तरह कभी कभार होने लग जाता है, तो जो लोग अपनी प्रेगनेंसी चाहते हैं वो इसको ना लें, उनके लिए ये सेफ तो है पर वो हम सोचते हैं कि आपको कोई नुकसान ना हो जाए तो आप इसको ना ही लें तो सबसे बढ़िया है। आपके लिए और बहुत सारे उपाय हैं, मेरे चैनल पर आप कर सकते हैं, तो ये टेस्ट भी करा लें और इन टेस्ट के हिसाब से परमानेंट भी अपना इलाज ले लें, नहीं तो इस नुस्खे से आपको काफ़ी आराम मिल जाएगा। तो इसके बिना भी मेरे चैनल पर बहुत सारे हेल्थ टॉपिक्स पर वीडियोज़ हैं, वो भी आप देख सकते हैं। इसको इस्तेमाल करने का एक तरीका और है, बाहर से ऑयल भी तैयार कर सकते हैं इसका, वो भी मैं आपको वीडियो बनाऊंगा, तो चैनल देखते रहिएगा, नेक्स्ट वीडियो उसके लिए भी अपलोड करूंगा, कैसे इसको तैयार करना है, तेल को कैसे इस्तेमाल करना है। तो दूसरी जो वीडियो है, गठिया, एलर्जी, अस्थमा,
जो ब्रेन कैंसर जैसी बीमारियां हैं, हार्ट की किसी की एफिशिएंसी कम हो गई है, हार्ट का वाल्व ख़राब हो गया, लाखों रुपए उसके ऊपर खर्च होते हैं, ऑपरेशन के बाद भी इलाज नहीं हो पाता है, इन बीमारियों का, हार्ट की ऐसी बीमारियों का होम्योपैथी और आयुर्वेदा में पक्का इलाज है। शुगर और डायबिटीज़ के ऊपर कैसे हम परमानेंट इलाज कर सकते हैं, सारी वीडियोज़ मेरे चैनल पर है, ज़रूर देखिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं कल फिर नई वीडियो के साथ।